फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने अलग अलग शहर को, अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो हमारा एरिया है उसको किस तरह हमने साफ सुथरा रखना है, किस तरह हमने उसको ODF क्लियर करना है, उसके लिए हमने सारी प्लानिंग की थी। सारी समस्या हमने काफी निदान कर लिया है ODF के लिए। उसके लिए हमारा कॉरपोरेशन का एक कानून भी है, जो रोड साइड में या कहीं बाहर लैटरिन करता है या कोई यूरिन करता है उसके लिए हमने 500 रखा है लैटरिन के लिए, फाइन भी रखा है उसके लिए, 200 यूरिन के लिए, स्प्लिटिंग के लिए, कोई थूकता है उसके लिए भी। मेन समस्या हमें शहर में यही आ रही है, जो हमारे अपने जम्मू वासियों के खाली प्लाट पड़े हुए हैं, खाली प्लाट में उन्होंने जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं झुग्गी झुग्गी है वो बसा के रखी है, झुग्गियां हम लोगों ने बना दी है उनको रहने के लिए, उनसे हम किराया या रेंट जो भी हम ले रहे हैं, लेकिन उनको बाथरूम की हम बना के नहीं दे रहे। मेन वही ओटर का एरिया हमारा ज्यादा, जहां जहां पर न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब नए अभी काम हो रहे, डेवलपमेंट होनी है, उसके लिए हमें दिक्कत आ रही है। मैं आज मीडिया द्वारा, प्रेस द्वारा यही अपील करता हूं सारे जम्मू वासियों से, अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया के अंदर या बाहर भी जो लोग हैं जिन्होंने वहां जे अपने अपने प्लाट में झुग्गी झोपड़ी बसाई हुई है, उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था करें। जो तो हमारे एरिया के अंदर जहां हमारे सीवरेज सिस्टम होगा, अगर होगा तो हम उनको उनके साथ जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो अपने छोटा मोटा कोई ना कोई बना के उनको बाथरूम दें। ये हमारे आज सबसे जम्मू वासियों से आज ये अपील करनी है, ताकि हम भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जम्मू शहर को हम 100% जो है ODF कर पाए। इसलिए वॉलंटियर किस तरह से प्रॉपर चेक करते हैं कि लोग जो है पब्लिक प्लेसेस को गंदा ना करें, किस तरह से आपकी टीम इस पे प्रॉपर तरीके से? हमारा पूरा सैनिटेशन जो स्टाफ है इसके ऊपर उनके पास है, वो सारा लगा हुआ है इसके ऊपर, जहां जहां कोई पाया जाता है उसको हम फाइन कर रहे हैं, और हमें काफी उसे फाइन से रेवेन्यू भी आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो हैबिचुअल लोग हैं, हर चौक के एक चौक के पास अगले हर, मैं कहूंगा कि फुलांग नहीं है, बाथरूम शहर में बने हुए हमारे शुल्क के बने हैं, अलग अलग कंपनीज के बने हुए हैं, उसको छोड़कर हमें जो प्राणी आता है गाड़ी खड़ी की तो वही हम यूरिन करते हैं। इसके लिए जब तक हम सब मिलकर आह्वान नहीं करेंगे, जम्मू शहर के लोग सहयोग नहीं करेंगे, जो बाहर से आता है उसको भी, हम जो पैसेंजर आता है बाहर से आता है या तो उसको भी कहेंगे भाई अगले चौक में ये बाथरूम है, आपको वहां पर आपको जाना है। इसलिए आज हम ये सब लोगों से अपील कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर कोई कमी आई फिर इसके बाद जो अगला स्टेप होगा फिर हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। ये सबसे पहले जब मैं मेयर बना था हमने ये प्लान किया था कि गार्बेज की बड़ी डोर टू डोर कलेक्शन की, बड़ी गार्बेज कलेक्ट करने की बड़ी दिक्कत थी, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन ठेले से रेडे से वो नहीं कर सकते थे, बहुत सारी डेवलपमेंट की भी कमी है, रोड सारी बनी नहीं है, तो हमने 75 ऑटो लगाए थे, 75 ऑटो लगाने